हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। और आज का भी जो प्रश्न है हम लोग का अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को ही देखिए, वहीं से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया गया है, 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 हो तो वैल्यू जो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर का, यानी 16x स्क्वायर है। चलिए तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे आसानी से। अब देखिए यहाँ पे समझना है इस दोनों में कि देखिए यहाँ पे दो नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 16। इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ क्या करना होगा कि आपको सिर्फ एक से लाना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ कितना लाना होगा, 4 लाना होगा, तब 4 के स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ चलेगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है उसी फॉर्म में। तो अब क्या करना होगा कि इसमें दोनों तरफ आप क्या कीजिए, आज दोनों तरफ 1/2 से गुना कर देना है। क्या करना है, इसमें भी 1/2 से गुना कर दीजिए इन, और इसमें भी गुना कर देना है 1/2 से। अब 1/2 से तो दो दो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स, और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इंटू कीजिएगा तब 4x हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 3। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग के लाना है स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों तरफ सिर्फ हम लोग के क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है इस तरीका से, ठीक है, इसको भी स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ समझना है, तो इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना चलाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिख सकते हैं इस तरीका से, 1/ कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस कितना चलाएगा हम लोग का 2ab, तो 2 हो जाएगा एक्स हो जाएगा फिर, और बी के जगह पर कितना हो जाएगा 1/4x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, इससे ही कैंसिल आउट हो जाए, होगा ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x इक्वल टू कर सकते हैं इसको, इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 2, और लेके चल जाइए कितना हो जाएगा प्लस में चल जाएगा, तो 9 + 1/2 तो कितना 9 × 2 = 18, और एक कितना हो गया 19 / क्या जाएगा आपका 2। इसी का हम लोग का वैल्यू निकालना था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 1/2 भी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न को ऐसे हम लोग इजी में बना सकते हैं। बस क्या करना है, इस फॉर्म में दोनों तरफ इसमें इंटू गुना करना पड़ता है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी आप इजी वे में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक बार बारीकी से पढ़ देते हैं। अपन दिया गया है, यदि 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5 हो तो वैल्यू जो निकालना है 8x के क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, यहाँ देखिए 3 है और यहाँ कितना है 8 है, तो 8 कितना का क्यूब है 2 का क्यूब है, तो यहाँ आपको सोचना है कि 2 ला देना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ 2x दे दिया है और यहाँ 27 दे दिया है, तो 27 कितना का क्यूब है 3 का क्यूब है, यानी कि 3 के क्यूब करेंगे तो हम लोग के 27, तो यहाँ कितना लाना होगा आपको 3 लाना होगा। इसके बारे में आपको अपना खुद सोचना होगा कि कैसे हम लाएं, ठीक है। अब देखिए तो इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 3x है प्लस 1/2x है इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब क्या कीजिए आप कि इसमें इंटू जो कर दीजिए तो 2/3 से इंटू कर दीजिए, तो 2/3 से जब इंटू कीजिएगा दोनों तरफ कितना से इंटू कर देना है 2/3 से, यानी कि 2/3 से, तो 2/3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना चलाएगा 2 से गुना हो जाएगा 2x हो जाएगा, समझिएगा बारीकी से। अब देखिए इसमें इससे अगर इंटू करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग के 1/ कितना बच जाएगा 3x, और इधर इंटू कीजिएगा तो 10/ कितना चलाया 3। अब क्या करना होगा कि इस फॉर्म में लाना है तो दोनों तरफ क्या करना होगा हम लोग का क्यूब करना होगा। तो समझ लीजिए एक बात, अगर आपसे कोई पूछे कि a + b के होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो आप जान रहे होंगे पहले से भी, a³ + क्या कीजिएगा bq, 3ab इंटू a + क्या होता है b, ठीक है, इसी पे हम लोग के सेट कर देना, वो बचपन से आपको याद होगा। अब देखिए तो यहाँ से कर दीजिए दोनों तरफ तक 2x 1/3x, और इसको भी कर देना है हम लोग के होल क्यूब, और इसको भी क्या कीजिएगा 10/3 के भी होल क्यूब। अब कीजिएगा तो कितना चलाएगा 8x के क्यूब प्लस 1/27x यानी 27x का क्यूब प्लस कीजिएगा 3, a के जगह पर कितना हो जाएगा 2x, b के जगह पर 1/ कितना हो जाएगा 3x,
इस तरीका से लिखिएगा, ए के जगह पे 2x और बी के जगह पर 1y, कितना हो जाएगा 3x, इक्वल टू कितना चलाएगा इसका, क्यू कीजिएगा तो चलाएगा 1000, ठीक है, और नीचे में कितना चलाएगा 27। समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या करना है, अब यहां से देखिए, इससे एक से एक से कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, x यहां बच गया क्या 2। अब देखिए थोड़ा सा समझना है बस यहां, अब देखिए तो कितना हो जाएगा 8xq प्लस, इतना लिखना नहीं है पेपर में लेकिन जितना हम लिख रहे हैं प्लस, अब देखिए 2 हो गया। अब देखिए यहां इसका जो वैल्यू आया था 2x प्लस 1 बाई 3x इक्वल टू कितना था 10/3, इसके जगह पर हम लोग कितना रख दीजिएगा 10/3, इस वाला वैल्यू यहाँ पर समझ लीजिए बारीकी से, तो लिख सकते हैं ना 10/ कितना लिखिएगा 3, तो कितना हो जाएगा इसमें इंटू कीजिएगा तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 20/3, और उस तरफ जाएगा तो क्या में चलाएगा आपका माइनस में, इसके इक्वल कितना है 1000/27 है, समझिए। अब इसको लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इसको कितना 1000, इसी को क्या किए हैं हम इस तरफ लेके चला है माइनस कितना 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20/ कितना हो जाएगा 3, समझ रहे हैं। अब इसी को खाली क्या करना है, 1000/ क्या है 27, ठीक है। अब इसमें से तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 27, यहाँ कितना चलाएगा आपका 1000, यहाँ कितना बार में कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 9 बार में, और 20 से 9 में इंटू कीजिएगा तो 180, इसमें से अगर इसको अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 820, और 820/ कितना चलाएगा आपका 27, ठीक है। वही हम लोग के क्या चलाएगा 820/ क्या चलाएगा 27, ही हम लोग क्या क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाए तो आसानी से बन जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस फॉर्म में इसको ला देना है ताकि आप आसानी से बना सके। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर कहीं भी आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके, यानी कि कमेंट सेक्शन में जा करके अपना वहां से कमेंट करें, और वहां से हम जब हम देखेंगे तो उस पर नेक्स्ट वीडियो फिर उसी से रिलेटेड आपको समझा दे सकते हैं अदर क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन को लेकर के। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट फिर कल सीखेंगे।